हाय फ्रेंड, कैसे हो? जो कल तीसरा मैच खेला जाएगा तो वनडे का न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है, दूसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो तीसरा मैच जो होगा इंडिया के लिए करो या मरो की सिचुएशन होगी। अगर इंडिया जीतती है तो सीरीज बचाएगी, अन्यथा सीरीज को गंवा देगी। ओपनिंग इंडिया कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो शिखर धवन ओपनिंग करेंगे सिमरन गिल के साथ, जो काफ़ी अच्छे टच में दोनों हैं। पिछले मैच में शिखर धवन जरूर सस्ते में आउट हो गए थे, बस सिमरन गिल ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी। फर्स्ट मैच में शिखर धवन भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेले थे, बस सेकंड इनिंग में वो आउट हो चुके थे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे सूर्य कुमार यादव आएंगे, वो जिस जो मैच में सेकंड मैच में बारिश हो गई थी उसमें काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने काफ़ी छक्के भी लगाए, आई थिंक 3 छक्के लगाए थे। लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं सूर्य कुमार यादव, उनको मैं नंबर 3 पर रखना चाहूँगा, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य कुमार के लिए नंबर 3 सूट करता है उनके लिए। सूर्य को नंबर 3 स्लॉट जो सूट करता है, उस नंबर पर काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे श्रेयस अय्यर आएंगे, KKR के कैप्टन आएंगे, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग पहले मैच में किए थे, सेकंड मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली थी। पहले मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी 80 रन की काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी। वनडे के आई थिंक नंबर 4 का जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो श्रेयस अय्यर सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला नंबर रहेगा विकेट कीपर के लिए, संजू सैमसन या ऋषभ पंत, आप किसी एक को जा सकते हैं। मैं ऋषभ पंत के साथ ही जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो एक्सपीरियंस बैट्समैन है। बहुत सी आवाज़ उठ रही है संजू सैमसन के लिए भी, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन के साथ भी जा सकती है, बट मैं जाऊंगा ऋषभ पंत के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर इंडिया के पास जो है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की कमी है, क्योंकि स्टार्टिंग में धवन है, उसके बाद कोई भी लेफ्ट हैंडर ऐसा बैट्समैन नहीं है, और जो नेक्स्ट नंबर आता है अपना ऋषभ पंत का ही आता है। ऋषभ पंत जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो ये इनको फॉरेन कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो दीपक हुड्डा को मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि दीपक हुड्डा एज अ बैट्समैन तो बैट्समैन करते ही हैं, बॉलिंग भी 5-6 ओवर अगर ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। अगला जो रहेगा वह दीपक चहर बॉलिंग के, क्योंकि बॉलिंग को इंडिया को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो मैच हारी थी पहला वो बॉलिंग के ही वजह से हारी थी, बैटिंग इंडिया की काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद जो रहेगा वाशिंगटन सुंदर को भी मैं अपनी टीम में लेना चाहूँगा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, ये बैटिंग ताबड़तोड़ करते हैं और बॉलिंग में भी अच्छी अपना पूरे कोटे का ओवर पूरा करते हैं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी उमरान मलिक के कंधों पर होगी, उमरान मलिक जो स्पीड गन है, सेंसेशन ऑफ स्पीड है, वो पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट ज़रूर लिए थे, बट दूसरे मैच में उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला था। वो हार्दिक पांड्या किसी को भी बोल्ड कर सकती है, IPL में आप उनका प्रदर्शन देख चुके हैं उमरान मलिक का। उसके बाद जो अगला नंबर रहेगा मैं अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह काफ़ी अच्छे टच में है फिलहाल। आई थिंक अर्शदीप सिंह इंडिया के मेरी नज़र में फिलहाल सबसे बेस्ट बॉलर है आफ्टर बुमराह को मैं मिस नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आखिरी 11 प्लेयर रहेंगे वो मैं जाऊंगा युजवेंद्र चहल के साथ, चहल क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, ये टीम को फंसा देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फ्रेंड, आप अपनी टीम को कैसे रखोगे, कुछ चेंजेस हो आप कमेंट करके बता सकते हो। फ्रेंड